नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मायोपिया के विषय में, दूर की चीज़ें ना दिखने के विषय में, नियर साइटेडनेस यानी पास की चीज़ें दिखने के विषय में और दूर की चीज़ें ना दिखने के विषय में। कई लोग या वीडियो आप लोग देखे होंगे जो आपके बच्चों को यह दिक्कत होगी और आपने बड़े उम्मीद से इस वीडियो को क्लिक करा होगा कि शायद इसमें हमें कुछ अच्छा मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस आकांक्षा पे पूरा हो पाऊं, आपको कुछ ऐसी दवाएं दे पाऊं जो आपके बच्चों की, या बड़े भी हो गए हैं, कई लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, दिखावे तो नहीं कहूँगा लेकिन क्या कहूँगा उसको, शोबिज में होते हैं, तो अगर उन लोगों को शायद चश्मा लगाना उतना अच्छा ना लगे और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी वो बहुत देर तक बियर ना हो पाते हों, तो यह दवाएं उनको फ़ायदा देंगी, उनके मायोपिया को ठीक करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया साथियों नियर साइटेडनेस होती है, यानी पास की चीज़ें आपको साफ दिख रही हैं और दूर की चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, उसके लिए आपको चश्मा लगाना पड़ रहा है जैसे मैं लगाए हूँ, तो यह मायोपिया होता है। लेकिन धीरे धीरे दवा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका समाधान हो सकता है, एक उम्मीद है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं भी चश्मा लगाता हूँ लेकिन वह दवाएँ खाने से शायद मेरा पावर थोड़ा कम हुआ है, तो मैं वो उम्मीद आपको देना चाहता हूँ, वह उम्मीद आपको दे रहा हूँ, उन दवाओं के विषय में बता रहा हूँ जिनसे यह संभव है। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स साथियों सब जानते हैं, जब पास की चीज़ दिखे और दूर की चीज़ ना दिखे तो वह मायोपिया होता है और उसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। ऐसे मरीज के सर में दर्द बना रहता है, अगर आपकी आईज़ वीक हैं, मायोपिया है आपको, तो आपका सर में दर्द बना रहेगा, थोड़ा सा स्क्विंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा आईलिड्स का, और आपको पास की चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसके कॉजेज के विषय में साथियों, कॉजेज हमारी आँखों में आइस के सबसे पीछे एक पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं। नॉर्मल केस में हमारे लेंस से होती हुई जब इमेज जाती है तो हमारे पर्दे पे रेटिना पे वह मर्ज होती है और पॉइंट होती है और एग्जैक्टली वहीं पे गिरती है। लेकिन जब हमें मायोपिया हो जाता है तो उसमें होता क्या है, आई बॉल थोड़ी फ्लैट हो जाती है। जब आई बॉल थोड़ी फ्लैट हो जाती है तो वह जो दूरी होती है लेंस और रेटिना के बीच में वह बढ़ जाती है और इमेज जो होता है वो रेटिना के पहले बनने लगता है। वही स्थिति होती है मायोपिया की, यानी नियर साइटेडनेस की, और आपको वही दिक्कत देती है। आपको साथियों बताते हैं इस समस्या को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों बता दें कि तमाम कॉम्प्लिकेशन आइज़ में होते हैं, यह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और बहुत ज़रूरी भी है, तो अगर आप आँख में कोई दिक्कत देखें और कोई भी दवा हो तो आप कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि सिम्टम के हिसाब से दवाएं आपकी भिन्न भी हो सकती हैं। बताते हैं साथियों आपको, होम्योपैथी में मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस यानी दूर की दृष्टि कमज़ोर होने की को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों होम्योपैथी में मायोपिया यानी दूर की दृष्टि कमज़ोर होने को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है फाइटोस्टिग्मा। फाइटोस्टिग्मा 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार अपने बच्चों को दे सकते हैं, या स्वयं जिसकी नज़रें कमज़ोर हो रही हो ले सकते हैं, जब यह आईसाइट बहुत तेज़ वीक हो रही हो, वीकनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, उस स्थिति में फाइटोस्टिग्मा ड्रग ऑफ द चॉइस है। और इसका फाइटोस्टिग्मा के मरीज़ को रोशनी से बहुत दिक्कत होने लगती है। अगर आपको यह फोटोफोबिया बना हुआ है, आपको रोशनी से दिक्कत हो रही है और आईसाइट बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, ये बहुत तेज़ी से कम हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फाइटोस्टिग्मा है। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप इससे अपने को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आँखों की रोशनी इतनी कमज़ोर हो गई, आईसाइट इतनी कमज़ोर हो गई कि आपको पेपर पढ़ने के लिए, कागज़ पढ़ने के लिए कागज़ को इतना करीब लाना पड़ रहा है कि वो नाक से छू जाए, आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक है। तो अगर यह स्थिति आप में आ गई है तो इस स्थिति को निपटने की बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार।
आप कैल्केरिया कार 32-3 दिन में 3 बार ऐसे बच्चे को या किसी को दे सकते हैं जिसकी आईसाइट इतनी वीक हो गई है कि उसको कागज़ पढ़ने के लिए इतना करीब लाना पड़ रहा है कि वो नाक तक नोज तक छू जाए। तो उस स्थिति से भी आपको निकल सकते हैं होम्योपैथी के माध्यम से। और दवा जैसे हमने बताया कैल्केरिया कार्ब है, इसको 30 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार दे दें, आप आईसाइट में सुधार देखेंगे। दूसरी कंडीशन जो साथियों आती है, जब बच्चों में आपके या किसी आप में या किसी में भी आसपास दूर की दृष्टि कमज़ोर हो गई हो और बहुत तेज़ सर में दर्द होता हो, अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में रूटा है। आप रूटा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि जो हेडेक हो रहा है दूर की दृष्टि कमज़ोर होने से, आईसाइट वीक होने से, वह ठीक हो गया और आईसाइट भी इम्प्रूव करने लगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपका डॉक्टर कहता है आपकी आई मसल्स वीक हो गई हैं, जो सीलियरी मसल्स होती हैं आईज की वो वीक हो गई हैं, तो होम्योपैथी में उनको स्ट्रॉन्ग करने की और आपका मायोपिया यानी दूर की दृष्टि कमज़ोर होने की स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। और दवा का नाम है लिलियम टिग्रिनम। लिलियम टिक 32-3 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं जब उनका सीलियरी मसल साइज की वीक हो रही हो और उनको तेज़ी से जो दृष्टि है इसकी आईसाइट है वह वीक होती दिख रही हो। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके आईज में पेन हो रहा हो और आपकी आईसाइट तेज़ी से वीक हो रही हो, अगर यह कंडीशन है कि आपके आईज के सॉकेट में पेन हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट में पेन हो रहा है और आईज आपकी वीक हो रही हैं, तो इसको इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा वियोला ओडिलाटा है। आप वियोला ओडिलाटा 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, उसको सेवन कर लें उस दवा का, आप देखेंगे कि आपका जो आईबॉल में पेन हो रहा है वह भी ख़त्म हो गया और आपका जो आई साइट में डिटेरिएशन हो रहा है वह भी ठीक होने लगा। एक स्थिति आती है साथियों, आपकी आईसाइट वीक है या वीक हो रही है बच्चे की आपके घर पे आईसाइट और चीज़ें उसको तैरती हुई नज़र आ रही हैं या फ्लोट करती हुई नज़र आ रही हैं, जब वो पढ़ रहा है तो फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर यह स्थिति आपको दिखती है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। और दवा का नाम है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। आप सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा 200 पावर में 2 खुराक 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको लगता है कि चीज़ें तैर रही हैं, अक्षर तैरने लगे पढ़ाई करते वक्त, एक वो कंसंट्रेट फोकस नहीं हो पा रहा अक्षरों पर पढ़ने में और आईसाइट वीक है, उनको दूर की दृष्टि कमज़ोर है, मायोपिया है, उस स्थिति में डक और त्वचा सिमिसिफ्यूगा है, आप सिमिसिफ्यूगा लेकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने मायोपिया यानी दूर की दृष्टि को भी मजबूत करके मायोपिया को ख़त्म कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है जब आपकी आँखों के आगे बहुत चमक होने लगती है, एक ग्लिटरिंग सी होने लगती है और आपकी आईसाइट बहुत तेज वीक होती है, तो अगर वह स्थिति आप में है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ओलियम एनिमले। ओलियम एनिमेल आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको आँखों के आगे चमक बहुत आती हो और आपकी आईसाइट बहुत तेज वीक हो रही हो, तो यह दवा आपको उससे निकाल देगी, आपको ठीक कर देगी और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे। फिर एक स्थिति आती है बड़ी अजीबोगरीब स्थिति साथियों, कि आप आईज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं दे रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आँखें कमज़ोर होती चली जा रही हैं और एक आँखों में वीकनेस महसूस हो रही है, अगर यह स्थिति आप में है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस स्थिति में ले सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं जब आप देख रहे हैं कि उनकी आईसाइट वीक हो रही है बगैर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग वाला काम करें। उनको ठंडा खाना बहुत पसंद है, ठंडी चीज़ें बहुत पसंद हैं, शाम को उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और उनको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है, तो अगर आईसाइट वीकनेस के साथ हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है तो फॉस्फोरस 1 mg इज द ड्रग ऑफ चॉइस, आप इसको लेके अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि बचपन में बच्चे को क्रॉनिक डायरिया हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा पेचिश हुई है और उसकी आईसाइट कमज़ोर हो गई, बचपन से उसको चश्मा लग गया,
अगर यह स्थिति आप देखते हैं तो इस स्थिति को दूर करने की, डायरिया के कारण होने वाले आईसाइट वीक की स्थिति दूर को ठीक करने की स्थिति में दवा सिंकोना ऑफिसनेलिस है। आप सिंकोना ऑफिसनेलिस 202 बूंद दिन में 3 बार देकर दूर कर सकते हैं आईसाइट की कमजोरी को, और डायरिया के कारण होने वाली शरीर की वीकनेस को भी आप खत्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके आईसाइट वीक है, आपको मायोपिया है और आपको काले काले से धब्बे तैरते हुए दिख रहे हैं, तो अगर यह स्थिति आप में है तो इस स्थिति को, जो ब्लैक स्पॉट्स आइज के आगे हैं, उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिडम नाइट्रिकम। आप एसिडम नाइट्रिकम 200 की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो है मायोपिया भी ठीक होने लगा, दूर की दृष्टि जो कमज़ोर है वह भी दूर होने लगी, और आपका जो ब्लैक स्पॉट आइज के सामने, विजन के सामने आ रहे हैं, वह भी ठीक हो गए। ये साथियों कुछ दवाएं थी होम्योपैथी में आपका मायोपिया यानी दूर की दृष्टि कमज़ोर होने को या नियर साइटेडनेस को ठीक करने की। दवाएं बहुत कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 94-1576-380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो रेलिवेंट क्वेरी हैं, जिनका जवाब देना से लाभ होना है आपको, उनका जवाब आपको दे सकें। थोड़ी देर हो सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जवाब आपको देने के प्रयास जरूर करेंगे। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी, के माता पिता अभिभावकों को भी एक दिशा मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके यूं ही नए वीडियो पर सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।